दिगंबर जैन समाज के लिए लिखी गई यह चिट्ठी रहस्यपूर्ण चिट्ठी के नाम से विख्यात हुई। इस चिट्ठी में स्वानुभव संबंधी बहुत सुंदर चर्चा है। सम्यक दृष्टि कैसा होता है, सम्यक दृष्टि की सविकल्प निर्विकल्प दशा का क्या स्वरूप है, उसमें प्रत्यक्ष परोक्ष आदि की क्या स्थिति बनती है, शुद्धोपयोग शुद्ध परिणति शुभ शुभ भाव शुभ शुभ भावों के काल में भी सम्यक्त्व का कायम रहना, ये ऐसे महत्वपूर्ण विषय हैं जो अपने आप में ही रोचक हैं। इन विषयों को पढ़ने सुनने मात्र से ही अपूर्व आनंद आता है। आप सोचिए, जिनकी चर्चा सुनने मात्र में आनंद आता हो, यदि वे चर्या का विषय बन जाएं तो आनंद कैसा होगा। जिसकी चर्चा ही है सुंदर, वो कितना सुंदर होगा। सच में धन्य है वे जीव जो स्वानुभव की चर्चा भी किया करते हैं। ये बातें मैं अपने मन से नहीं कह रहा हूँ, ये बात पंडित जी साहब चिट्ठी के प्रारंभ में कह चुके हैं। स्वानुभव की चर्चा करने वाले, आत्मानुभव की चर्चा करने वाले, आत्मा की अनुभूति कैसे हो सकती है, सम्यक दर्शन की प्राप्ति कैसे हो सकती है, सम्यक दृष्टि यानी जीवों का जीवन कैसा होता है, सम्यक दृष्टि जीव सविकल्प है या निर्विकल्प है, यदि सम्यक दृष्टि जीव निर्विकल्प है तो फिर घर गृहस्थी के काम कैसे होते हैं, और यदि वे सविकल्प हैं तो फिर वो चौथा गुणस्थान कैसे कायम रहता है, सम्यक्त्व कैसे कायम रहता है। भाई ऐसा नहीं है कि सम्यक दृष्टि जीव निर्विकल्प नहीं होता है, सम्यक दृष्टि जीव निर्विकल्प भी होते हैं, लेकिन उनकी निर्विकल्पता सदा काल बनी नहीं रहती। जिस समय उनका उपयोग समस्त बाह्य पदार्थों से हटकर, शुभ अशुभ संबंधी सर्व विकल्पों से हटकर, जब अपने त्रिकाली ध्रुव ज्ञायक स्वरूप में लीन होता है, जब अपने त्रिकाली ध्रुव ज्ञायक स्वरूप के साथ में अभेद होता है उनका उपयोग, तो उस उपयोग को शुद्ध उपयोग कहते हैं, और वो शुद्ध उपयोग की दशा निर्विकल्प दशा है, उसे निर्विकल्प कह करके पुकारा जाता है। ये जो निर्विकल्पपन की बात कही गई है, यह निर्विकल्पपन शुभ और अशुभ भावों के निरोध रूप निर्विकल्प दशा है। ये ज्ञानात्मक निर्विकल्प दशा की बात नहीं है, क्योंकि ज्ञान तो स्वभाव से ही सविकल्प होता है। ज्ञान का सविकल्पपना पदार्थों को भेद रूप जानना, प्रत्येक पदार्थ भेद रूप जाना जाता है, भिन्न भिन्न जानना, इसको ही ज्ञान सविकल्पपना कहलाता है, यही ज्ञान का सविकल्पपना है। तो अनुभूति के काल में भी ज्ञान सविकल्प ही है, आत्मानुभूति के काल में भी ज्ञान सविकल्प है, शुद्धोपयोग के काल में भी ज्ञान सविकल्प है, केवल ज्ञानियों का ज्ञान भी सविकल्प ज्ञान है, सिद्ध भगवान का ज्ञान भी सविकल्प ज्ञान है, क्योंकि सविकल्पपना ये ज्ञान का स्वरूप है। तो फिर आप कहते हो कि ज्ञान का स्वरूप है और अनुभूति निर्विकल्प होती है, कि हाँ अनुभूति निर्विकल्प होती है,
तो जो अनुभूति के निर्विकल्प बने की बात है, वो अनुभूति का निर्विकल्प बना, वो ज्ञान का निर्विकल्प बना नहीं है, चारित्र संबंधी निर्विकल्प बना है। क्योंकि शुभ अशुभ से रहित कहा ना, देखो दौलत राम जी ने कैसा प्रयोग किया पांचवी ढाल में, संवर की चर्चा करते हुए, जिन पुण्य पाप नहीं कीना आत्म अनुभव चित दीना। क्या कहा? जिन पुण्य पाप नहीं कीना आत्म अनुभव चित दीना, तिनी विधि आवत रोके संवर लहि सुख अवलोके। पुण्य भी नहीं कीना, पाप भी नहीं कीना, जो शुभोपयोग में भी प्रवृत्ति नहीं कर रहा है, अशुभोपयोग में भी प्रवृत्ति नहीं कर रहा है, पुण्य और पाप दोनों में जिसकी प्रवृत्ति नहीं है, और आत्म अनुभव चित्त दीना, पुण्य और पाप नहीं किया तो किया क्या ये बताओ कि साहब विषय कषायों में प्रवृत्ति नहीं की, ये ठीक है समझ में आ गई नहीं की, तो फिर कहा स्वाध्याय आदि शुभभाव आदि के अंदर भी प्रवृत्ति नहीं की, देव पूजा आदि के अंदर भी प्रवृत्ति नहीं की, तीर्थ वंदना, तीर्थ वंदना में भी नहीं लगा रहा, तीर्थ वंदना संबंधी विकल्प। देखो भाई, पाप क्रियाएं जो जगत में दिखाई देती हैं, उनका कर्ता तो ये चेतन आत्मा है ही नहीं। शुभ क्रियाएं जो जगत में दिखाई देती है, उनका कर्ता ये आत्मा तो त्रिकाल नहीं है। क्या कह रहा हूं मैं, सावधानी। पाप क्रिया मने आलू खाने की क्रिया, हिंसा करने की क्रिया, किसी जीव को मारने की क्रिया, ये सब पाप क्रियाएं हैं। झूठ बोलने की क्रिया, ये सब पाप क्रिया है। हिंसा, झूठ, चोरी करना, कुशील व्यभिचार, परिग्रह संचय, ये सब पाप क्रिया है ना। बोले ये पाप क्रिया तो ये जीव त्रिकाल नहीं कर सकता, क्योंकि परद्रव्य का कर्ता धर्ता अपना जीव के होता नहीं है। तो फिर कौन से पाप के निषेध की बात कर रहे हैं? कि पाप भाव ये जीव करता है। क्या कहा? हिंसा नहीं कर सकता, मतलब किसी को मार नहीं सकता, लेकिन मारने का भाव करता है। तो इस जीव को जो पाप लगता है, वो पाप किसी को मारने का नहीं लगता, मारने के भाव का लगता है। मारने का पाप नहीं है, मारने के भाव का पाप है। अच्छा, अब दूसरी तरफ लगाओ, शुभ भावों में लगाओ कि साहब मैंने पूजन करी, क्या पूजन करना, शास्त्र पढ़ना, भूखे रह करके उपवास करना, अणुव्रत और महाव्रत आदि का पालन करना, बाहर में चार हाथ जमीन देख करके चलना, एरिया समिति से चल रहे हैं, भाषा समिति से बोल रहे हैं, बोले ये काम तो तू कर नहीं सकता, ये तो सच्चाई है। तो फिर साहब ये पुण्य नहीं, ये पुण्य नहीं है। इनको व्यवहार से पुण्य क्रियाएं कहा जाता है, लेकिन सच में तो पुण्य तेरे अंतरंग परिणामों का नाम है, पाप तेरे परिणामों में है, पुण्य तेरे परिणामों में है। तो जिन पुण्य पाप नहीं कीना, तो क्या किया कि शुभ परिणाम भी नहीं हुए और अशुभ परिणाम भी नहीं हुए। शुभ और अशुभ परिणाम कौन से गुण की पर्याय है? शुभ अशुभ परिणाम कौन से गुण की पर्याय है? चारित्र गुण की पर्याय है। इसमें क्या है? चारित्र गुण की पर्याय निश्चित बात है। तो पुण्य पाप नहीं कीना माने चारित्र गुण की पर्याय में शुभ और अशुभ रूप परिणमन नहीं हुआ। क्या कहा? चारित्र गुण की पर्याय में शुभ और अशुभ रूप परिणमन नहीं हुआ, तो फिर क्या हुआ कि आत्म अनुभव चित्त दीना। इसका मतलब आत्मा का अनुभव, आत्मानुभूति चारित्र गुण की पर्याय है। ख्याल में आ रही है बात? ये जो सविकल्प और निर्विकल्प दशा की बात चल रही है, क्या विकल्प भी चारित्र गुण की पर्याय कहा जाता है, लेकिन ये सब चीजें एक दूसरे से जुड़ी है ना। एक उपयोग का बाहर होना तो उपयोग ज्ञान दर्शन का व्यापार है। तो हमारे ज्ञान दर्शन की प्रवृत्ति जब बाह्य पदार्थों के साथ में होती है, तो उसे सविकल्प दशा कहा जाता है।
और जब उन्हीं ज्ञान दर्शन की प्रवृत्ति अपने त्रिकाली ध्रुव ज्ञाय भगवान आत्मा के साथ में होती है तो उसे शुद्ध उपयोग कहा जाता है। तो फिर उपयोग तो ये शुद्ध उपयोग माने आत्मानुभूति, तो ये तो ज्ञान गुण की पर्याय हो गई ना। अभी क्या कहा था हमने, चारित्र गुण की पर्याय, अब क्या कह रहे हैं ये ज्ञान गुण की पर्याय हो गई ना। इसका समझ में नहीं आई ज्ञान गुण की पर्याय कैसे हो जाएगी, उपयोग शुद्ध उपयोग अशुभ उपयोग और शुभ उपयोग, उपयोग किसका नाम, उपयोग किसे कहें, उपयोग माने ज्ञान की पर्याय, ज्ञान दर्शन की पर्याय वो उपयोग है। यदि ज्ञान दर्शन की पर्याय का नाम उपयोग है तो फिर वो ज्ञान की पर्याय, तो ज्ञान की पर्याय है उसका शुभ अशुभ पना क्या। उपयोग तो उपयोग है, ज्ञान की पर्याय में तो वास्तव में शुभ अशुभ पना होता नहीं है। ज्ञान की पर्याय क्या शुभ और क्या अशुभ, ज्ञान का काम तो मात्र जानने का काम है। हाँ अब सुनो, ये जो ज्ञान की पर्याय उत्पन्न हुई है, ये ज्ञान की पर्याय जब पंचेंद्रिय विषय भोगों को जानने में प्रवृत्त होती है तो वो उपयोग, और पंचेंद्रिय विषय भोग ये अशुभ रूप, तो हमारा जो उपयोग पंचेंद्रिय विषय भोगों की तरफ जुड़ा वो कहलाएगा अशुभ उपयोग। और वही उपयोग जब देवशास्त्र गुरु की भक्ति पूजन व्रत दान उपवास आदि के परिणामों रूप प्रवृत्त हुआ, उपयोग उपयोग माने ज्ञान की पर्याय, तो हमारा चित्त हमारा उपयोग ये देवगुरु धर्म की तरफ गया तो वे थे शुभ निमित्त, तो ये उपयोग कहलाएगा शुभ उपयोग। और त्रिकाली गायक भगवान आत्मा जो अंदर में विराजमान है वो है शुद्ध स्वरूप गायक आत्मा, तो जो उपयोग अपने त्रिकाली ध्रुव गायक भगवान आत्मा के साथ में जुड़ा तो उस उपयोग को हम कहेंगे शुद्ध, शुद्ध में जुड़ा ना उपयोग तो कहलाएगा शुद्ध उपयोग। तो अब ये जो शुद्ध उपयोग कहा, ये शुद्ध उपयोग तो ज्ञान गुण की पर्याय हो गई कि नहीं, जानना ज्ञान है देखना दर्शन है और जानते देखते रहना चारित्र। अब देखो अशुभ की तरफ हमारा ज्ञान का झुकाव हुआ, ज्ञान अशुभ में गया, ठीक है ना, ये अशुभ उपयोग ये ज्ञान की पर्याय, हमारा उपयोग शुभ की तरफ गया ये शुभ उपयोग ये ज्ञान की पर्याय, और जानते रहे उसके साथ में जो जानने के साथ में तन्मयता तो नहीं कहे हम, लेकिन जो कंटिन्यूस पना है उसका, जैसे जानना ज्ञान है और जानते रहना ये ध्यान है, क्या ध्यान चारित्र है, तो जानना ज्ञान की पर्याय और जानते रहना ये, क्योंकि जानते रहने में जो लीनता है ना वो लीनता चारित्र गुण की पर्याय है। समझ में आ रही है बात, लीनता, लीनता में चारित्र है, तन्मयता श्रद्धा की पर्याय है, तन्मय का मतलब है तो उस रूप वही मैं हूं। अभी ये जो सम्यक दर्शन की जो चर्चा चल रही है, सम्यक दर्शन की सविकल्प निर्विकल्प इस चर्चा में सम्यक दृष्टि जीव को जिस समय आत्मा की अनुभूति का काल नहीं है, क्योंकि अनुभूति का काल तो सदा काल हो नहीं सकता, सम्यक दृष्टियों के अनुभूति का काल सदा हो नहीं सकता, यदि अनुभूति का काल परमानेंट हो जाए या निर्विकल्प अनुभूति में ही रहे सम्यक दृष्टि जीव तो फिर चौथे गुणस्थान से सीधे सिद्ध अवस्था हो जाए। यदि वो निर्विकल्प अवस्था बनी ही रहे तब तो वितरण भाव हो जाए, अनंत दशा हो जाए, सिद्ध दशा हो जाए, तो चौथा गुणस्थान कहां रहा, तो वो तो टेम्परेरी रहता है। आपने बोला कि सिद्धों के सविकल्प दशा भी होती है। हाँ वो ज्ञानात्मक, वो ज्ञान का स्वभाव सविकल्प है, वो तो हर समय। हाँ देखो आत्मा की अनुभूति जो है वो अनुभूति निर्विकल्प अवस्था है, ये जो कहा जाता है ये चारित्र की अपेक्षा कहा जाता है। आत्मानुभूति को जो हमने निर्विकल्प कहकर के पुकारा, और यहाँ जो ये निर्विकल्प संबंधी चर्चा चल रही है ये चारित्र संबंधी चर्चा चल रही है, ये ज्ञान संबंधी चर्चा नहीं है। देखना एक बार बारीकी से हम जो बात कह रहे हैं उस बात को ध्यान देना क्या कह रहे हैं।
कह रहे हैं सविकल्प दशा और निर्विकल्प दशा दो दशाएं हैं। अब प्रश्न ये हमने ये पूछा कि सम्यक दृष्टि यानी जीव वो सविकल्प है या निर्विकल्प है, तो यहाँ पंडित जी ने जवाब क्या दिया कि सम्यक दृष्टि का जो उपयोग है क्या वो सविकल्प भी है और निर्विकल्प भी है। सम्यक दृष्टि की दशा सविकल्प दशा भी है और निर्विकल्प दशा भी है, दोनों एट ए टाइम नहीं हो सकता। जिस समय सविकल्प होगा उस समय निर्विकल्प नहीं हो सकता, जिस समय निर्विकल्प होगा उस समय सविकल्प नहीं हो सकता। बराबर है बात, कोई दिक्कत नहीं है यहां तक। अब सुनो, जिस समय वो निर्विकल्प हुआ उस समय तो शुद्धोपयोग का काल है, जिस समय वो निर्विकल्प हुआ उस समय तो अतीन्द्रिय आनंद में मतलब त्रिकाली ध्रुव में लीनता का काल है, जिस समय आत्मा में लीन हुआ उस समय तो आनंद आ रहा है, अपूर्व आनंद है। अब हमें ये पूछना है कि वो निर्विकल्प अनुभूति से जब बाहर आता है, माने जब सविकल्प दशा होगी, जब और कार्यों में प्रवृत्ति करेगा, ठीक है ना, सभी करते हैं, जो व्यक्ति का जो काम कहा गया है वो सब तरह के काम करते हैं ना व्यक्ति, जैसे मान लो इंजीनियरिंग है, इंजीनियर है व्यक्ति या डॉक्टर है, तो क्या वो मरीजों की जांच का ही काम करता है, उनको देखता ही है, खाना नहीं खाता है, और भी तो सब काम करता है कि नहीं। ऐसे सम्यक दृष्टि जीव है तो सम्यक्त्व की उत्पत्ति के काल में तो अनुभूति का नियम है, सम्यक्त्व की उत्पत्ति के काल में अनुभूति का नियम है, फिर सम्यक्त्व के बने रहने में अनुभूति नहीं है, लेकिन वो आनंद जरूर है। अभी देखो, अब आनंद दो तरह का हो गया क्या, अब सुनना, देखो थोड़ा उपयोग को एकाग्र करके सुनना, सब बारीक चर्चा चल रही है, कई दिन से अपन सोच रहे थे और बारीक और क्या करेंगे, जैसा वस्तु स्वरूप है उसकी चर्चा कर रहे हैं। आनंद दो तरह का, नीरज जी साहब, दो तरह का आनंद, एक आनंद वो जब शुद्धोपयोग का आनंद है, एक आनंद वो जब निर्विकल्प दशा है, और दूसरा आनंद जो सविकल्प दशा में भी मेंटेन रहता है। जिस वेश में जिस हाल में अनुभूति से बाहर आने के बाद में भी ये आनंद मेंटेन है कि नहीं, यह सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव दुखी होते होंगे, बाहर नारक कृत दुख भुगते और अंतर सुखरस घटाघटी, तो अंतर सुखरस घटाघटी की जो बात है ये क्या शुद्धोपयोग की बात है, ये क्या अनुभूति की बात है। अनुभूति से बाहर आने के बाद भी क्या, देखो भाई ऐसा नहीं होता है जिस समय आप भोजन कर रहे हैं बहुत आपको अच्छा लग रहा है, और जब भोजन कर चुकते हैं तब आप कहते हैं मजा आ गया, भोजन कर रहे थे तब मजा आया कि अभी अभी कह रहे हो मजा आया। भोजन के बाद में भी जो हमारे को कुछ देर तक उसकी स्मृति कायम रही, वो जो मेंटेन रहा, यह आनंद है। अब ये आनंद कब तक मेंटेन रहता है, शुद्धोपयोग से बाहर आने के बाद भी ये आनंद तब तक मेंटेन रहेगा जब तक परिणति में शुद्धता कायम है। क्या कहा, वो जो परिणति है ना, वो परिणति में शुद्धता का क्राइटेरिया कितना है, कब तक रहेगी वो परिणति में शुद्धता, अधिकतम 6 महीने, सम्यक दृष्टियों के अधिकतम 6 महीने, पंचम गुणस्थानवर्तियों के अधिकतम 15 दिन, छठवें सातवें गुणस्थानवर्तियों का छठवां गुणस्थान सातवां गुणस्थान अधिकतम अंतर्मूर्त, अंतर्मूर्त से ज्यादा नहीं, सातवें गुणस्थान का काल अंतर्मूर्त से ज्यादा नहीं है, छठवें गुणस्थान का काल अंतर्मूर्त से ज्यादा नहीं है, और पलटता रहे छठे से सातवां और सातवें से छठा तो हजारों वर्ष भी लग जाए। लगातार सातवें में रहे अंतर्मूर्त रह गए उसका जो यथायोग्य काल है, तो वो सातवां गुणस्थान स्वस्थान सातवें गुणस्थान से सातिशय अप्रमत्त दशा हो जाती है। पढ़े ना गुणस्थान, सातवें गुणस्थान का नाम क्या है, स्वस्थान सातिशय
अप्रमत्त। तो स्वस्थान साथी से क्या बोल रहा हूं मैं, सातवें गुणस्थान के दो रूप हैं, सातवें गुणस्थान के दो भेद हैं, एक स्वस्थान अप्रमत्त और एक सातिशय अप्रमत्त। अप्रमत्त नाम है ना उसका, तो स्वस्थान अप्रमत्त और सातिशय अप्रमत्त। स्वस्थान अप्रमत्त किसका नाम, जो सातवां गुणस्थान छठवें में आएगा, प्रमत्त में आएगा, फिर अप्रमत्त में आया सातवें में, फिर प्रमत्त आया छठे में, फिर अप्रमत्त आया सातवें में, ये जो चल रही है स्थिति, ये है स्व स्थान, अपने स्थान पर है। और सातिशय चलन लगाने वाला, ऊपर दौड़ने वाला, सातवें गुणस्थान की जब सातिशय दशा होती है तो वो जीव श्रेणी चढ़ने वाला होता है, दौड़ रहा है वो उस तरफ, उधर जा रहा है। समझ में आ रही है बात। तो हमने ये कहा यहां कि छठवा गुणस्थान मैक्सिमम कितना अंतर्मुहूर्त, सातवां गुणस्थान मैक्सिमम कितना अंतर्मुहूर्त, तो उनकी जो परिणति की धारा चल रही है वो भी अंतर्मुहूर्त ही चलेगी। छठवें सातवें गुणस्थान मृत्यु के कौन सी परिणति की धारा, आनंदानुबंधी अप्रत्याख्यान और प्रत्याख्यान कषाय के अभाव में, माने इतनी कषायों का अभाव हो जाने पर जो शुद्धता प्रकट हुई है वो शुद्धता मेंटेन है। क्या कहा, वो शुद्धता मेंटेन है। जैसे पंचम गुणस्थान वर्तियों की शुद्ध परिणति की बात करो, शुद्धोपयोग तो कभी कभी हो, क्या रोज भी हो तो कोई बात नहीं है। शुद्धोपयोग को हमने क्या कहकर के पुकारा, आत्म अनुभूति, वो शुद्धोपयोग रूप है। अब उस शुद्धोपयोग से जैसे ही बाहर आए तो शुद्धता मेंटेन है कि नहीं, क्या शुद्ध हो गया होगा, किया जरा सा बेकार हो गया होगा, रहेगा ना वो मेंटेन, माने वो शुद्धता मेंटेन रहेगी ना। जब जब अनंतानुबंधी का अभाव होगा तो शुद्धोपयोग के काल में ही होगा, चौथा गुणस्थान। पांचवा गुणस्थान आएगा तो शुद्धोपयोग या अनुभूति के काल में ही आएगा, चौथे से पांचवा। अब चौथे से पांचवा आया, पांचवें गुणस्थान में आकर जैसे ही पांचवा गुणस्थान हुआ, जैसे ही शुद्धोपयोग हुआ था प्रथम क्षण, तो अनंतानुबंधी और अप्रत्याख्यान दोनों चले गई, नष्ट हो गई। अब उपयोग बाहर आ गया तो वो नष्ट करने वाला काम तो कर चुके थे ना, तो अशुद्धि के चले जाने पर वो शुद्धता जो मेंटेन रही है उसका नाम है शुद्ध परिणति। अशुद्धता के चले जाने वो मेंटेन कितने समय तक रही, मैंने सातवें अध्याय में किसी प्रकरण के समय कौन घंटा इस विषय के ऊपर चर्चा की थी, शुद्धोपयोग शुद्ध परिणति, क्या वो प्रवचन सुनने योग्य है उस समय का, रिकॉर्ड होंगे बहुत जगह। तो मेरा कहने का मतलब ये शुद्धोपयोग और शुद्ध परिणति क्या है, चार्जिंग है। अब कोई व्यक्ति ये कहे कि साहब शुद्ध परिणति अच्छी चीज है, फिर शुद्धोपयोग की क्या जरूरत है, क्या तो कहा जिस समय शुद्धोपयोग होता है या जिस समय आत्म अनुभूति का काल होता है वो चार्जिंग का काल है। समझ में आ रही है बात, उस समय आनंद विशेष है, अनुभूति के काल में आनंद विशेष है और उपयोग बाहर आने पर वो विशेष नहीं है आनंद। हाँ अब सम्यक्त्व की बात करो तो अनुभूति का काल हो माने निर्विकल्प दशा का काल या सविकल्प दशा का काल हो, सम्यक्त्व में कोई फर्क नहीं है। क्या सम्यक्त्व में फर्क नहीं है, श्रद्धा में कहाँ फर्क है, क्योंकि देखिए मैं अभी इसको दूसरी तरह से देखो, आप इसको दूसरे प्रकार से बताता हूं। सम्यक दर्शन श्रद्धा गुण का काम है, क्या और ये जो शुद्धोपयोग आदि की जो चर्चा की या सविकल्प निर्विकल्प दशा की जो बात की, ये चारित्र का काम है। सविकल्प दशा और निर्विकल्प दशा ये चारित्र में हो रही है, ठीक है। और शुद्ध उपयोग के काल में जो वो श्रद्धा बदल गई है वो सम्यक दर्शन श्रद्धा का काम है। तो कहा चारित्र में सविकल्प हो या चारित्र में निर्विकल्प हो, ये श्रद्धा तो कायम है, श्रद्धा तो शुद्ध हो गई। चारित्र की सविकल्प दशा से श्रद्धा इफेक्टेड नहीं हो रही,
चारित्र की निर्विकल्प दशा से उस श्रद्धा में कुछ परिवर्तन हो गया हो ऐसा नहीं है। हाँ इतना अवश्य है कि जिस समय वो निर्विकल्प दशा प्रथम बार होती है उस समय श्रद्धा मिथ्या से सम्यक हो जाती है। क्या पहली बार, एक बार श्रद्धा मिथ्या से सम्यक हो गई, मिथ्या दर्शन से सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो गई, मतलब श्रद्धा का काम तो पूरा हो गया। क्या अब उस श्रद्धा के का मतलब वो सम्यक दर्शन, तो ये प्रश्न इसने जो किया है ना शिष्य ने, ये श्रद्धा और चारित्र में भेद नहीं कर पा रहा, इसलिए प्रश्न खड़ा हुआ है। सम्यक्त्व के काल में जो शुभ शुभ विकल्प वाली जो बात कही है, ये प्रश्न क्यों खड़ा हुआ? शुभ शुभ विकल्प बने रहे और सम्यक दर्शन कायम रहे, तो सम्यक दर्शन इसलिए कायम रहता है क्योंकि शुभ शुभ विकल्प चारित्र गुण की पर्याय है और सम्यक तो श्रद्धा गुण की पर्याय है। ये चारित्र गुण की पर्याय में उथल पुथल हो रहा है, ऊपर नीचे हो रहा है, लेकिन श्रद्धा गुण की पर्याय उससे इफेक्टेड नहीं। चारित्र गुण की पर्याय में तो सविकल्प निर्विकल्प दशा लगानी पड़ेगी अपने को, ज्ञान में तो निर्विकल्पना है ही नहीं। वो चारित्र रूप है, इसलिए वो जो शुद्धोपयोग कहा अपन ने, वो चारित्र रूप लगाना। क्यों? शुभ शुभ भी उसी में लगेगा, शुभ शुभ भी तो चारित्र गुण की पर्याय है ना। शुभाशुभ कौन से गुण की पर्याय है? पुण्य पाप कौन से गुण की पर्याय है? हाँ हाँ, लेकिन एक समय के बाद उसमें लगा रहा ना, वो चारित्र गुण की अवस्था है। हाँ उस समय भी वो सविकल्पी है। क्या उस समय भी वो सविकल्पी है? विकल्प भेद रूप जान रहा, निष को निष पर को पर जान, ये चीज है ना। ज्ञान का तो स्वभाव सविकल्प है, इतना समझिए आप, है ना। जब स्वभाव सविकल्प है तो स्वभाव कभी छूटता नहीं है। स्वभाव किसे कहें? जो सदा काल रहे उसका नाम है स्वभाव, अभी है और अभी नहीं है उसका नाम स्वभाव नहीं है। जल का स्वभाव शीतलता, अग्नि का स्वभाव उष्णता, नमक का स्वभाव खारापन, आत्मा का स्वभाव ज्ञान दर्शन, तो ज्ञान आत्मा का स्वभाव है नहीं। ज्ञान का स्वभाव क्या है? सविकल्प स्वपर प्रकाशक का ना, ऐसा कहो ना। ज्ञान का स्वभाव क्या है? स्वपर प्रकाशक पना। तो ये स्वपर प्रकाशक जो पना है उसका, ये सविकल्पता है। दो चीजों को जान रहा है, स्व भी जानने में आ रहा है पर भी जानने में आ रहा है, और भिन्न भिन्न है दोनों, स्व भिन्न है पर भिन्न है, इसी इसी का नाम सविकल्पता है। हाँ इस जानने में जब ये एकमेक हो जाता है, तो अब चूंकि अब हम कह रहे हैं जानने में एकमेक हो गया, यह एकमेक होकर के जाना, जैसा कि केवल ज्ञानियों की चर्चा में कहा ना 159 नंबर गाथा में, 159 नंबर गाथा नियमसार की, उसमें उन्होंने ऐसी चर्चा की, एक दो दिन पहले उठाई थी हमने बात, 159 नियमसार, उसमें क्या कहा? केवल ज्ञानी परमात्मा लोकालोक को व्यवहार से जानते, निश्चय से आत्मा को ही जानते। तो फिर परमात्मा प्रकाश वगैरह में जब इसका समाधान दिया तो उन्होंने क्या बात कही कि वो लोकालोक को तन्मय होकर नहीं जानते। अब मेरा ये कहना है यहाँ पर कि तन्मय होकर के जानना, ये तो ज्ञान का काम कहाँ है? ज्ञान में तन्मयता अतन्मयता का सवाल ही कहाँ है? ज्ञान का काम तो जानना मात्र है, ज्ञान में तो तन्मयता अतन्मयता का कोई सवाल ही नहीं। ये नहीं साहब, ये ज्ञान ने तन्मय होकर के जाना, अरे ज्ञान के साथ में जो श्रद्धा गुण की पर्याय ने उसने अपनापन किया, इसलिए हमने कहा कि ज्ञान ने तन्मय होकर के जाना। वास्तव में तन्मयता वहां श्रद्धा का काम है। जब हमने ऐसा प्रयोग किया ना कि ज्ञान तन्मय होकर के जानते हैं, अज्ञानी पर पदार्थों को तन्मय होकर के जानता है और ज्ञानी ज्ञानी अतन्मय होकर के जानते, तो हमने यहां श्रद्धा और ज्ञान दोनों को साथ में मिलाकर के कथन किया है। यद्यपि बोलने में ऐसा ही लग रहा है कि ज्ञान तन्मय हुआ, ज्ञान तन्मय नहीं हुआ, ज्ञान तो सदाकाल अतन्मय है, ज्ञान तो जानने में ज्ञान में मात्र का काम करता है,
ज्ञान में तो पदार्थ झलकते मात्र हैं, तो फिर तन में होके जानने का मतलब क्या निकला? श्रद्धा। उसके साथ में श्रद्धा क्या काम कर रही है? श्रद्धा का काम है तन्मयता और अतन्मयता। चौथे गुण स्थान वाला भी तन्मय होकर के नहीं जानता। एक समय की जो अनुभूति का काल है उसमें स्व को स्व जाना और पर को पर जाना। हाँ, जो भी भेद खड़ा हुआ है वहां, जो भी भेद खड़ा होगा ज्ञान में। अब अनुभूति को देखो, विविध अपेक्षाओं से उस अनुभूति को विविध गुणों की पर्याय कहा जाता है। अब यदि अनुभूति को वेदन से जोड़ोगे, अभी समझना, नई बात कहता हूं, अनुभूति को यदि आप वेदन से जोड़ोगे तो विद धातु जानने के अर्थ में है, तो वेदन ज्ञान में होता है। जाना किसने उस आनंद को? तो आनंद आया, ये बात कौन कहेगा कि आनंद आया? ये जाना किसने? ज्ञान ने। तो जो अनुभूति में यदि आप वेदन लोगे, जिसने उस आनंद को जाना है ऐसा लोगे, तो ज्ञान गुण की पर्याय हो गई अनुभूति। लेकिन उसी अनुभूति में पुण्य पाप नहीं कीना ऐसा कहोगे तो चारित्र गुण की पर्याय हो गई। और वही अनुभूति, समझो आप, वही अनुभूति आनंद गुण की पर्याय, सुख गुण की पर्याय। सुख गुण का क्या काम होगा? आत्मा में सुख नाम का गुण है कि नहीं है? तो जो अतिंद्रिय आनंद आ रहा है वो अतिंद्रिय आनंद सुख गुण की पर्याय है या नहीं? उस अतिंद्रिय आनंद को सुख गुण की पर्याय मानेंगे। फिर सुनो और नई बात कि सुख गुण की पर्याय कैसे कहें हम उसको? जिस समय आत्मा का अतिंद्रिय आनंद आता है उस समय अकेले सुख गुण का ही स्वाद नहीं आता, आत्मा के अनंत गुणों का भी स्वाद आता है। क्या? तो वो जो अनुभूति हुई, शुद्धोपयोग का काल हुआ, जो आनंद आया, वो आनंद एक एक गुण की पर्याय नहीं हुई, अभेद अखंड आत्मा की पर्याय है। और अनंत गुणों की पर्याय होने से उसे चारित्र भी कह सकते हैं, चारित्र की पर्याय। जुड़े हैं सब एक दूसरे से, क्या करें? देखो यहां क्या कहते हैं, थोड़ा सा भारी हो रहा है, थोड़ा सा भारी हो रहा है ना विषय। क्या कह रहे हैं, कुछ कुछ पल्ले नहीं पड़ रही कुछ लोगों के, कोई बात नहीं, बहुत से लोगों के समझ में आ रही है क्या? क्योंकि यदि कोई समझने का पात्र जीव नहीं होता तो ऐसी वाणी निकलती नहीं, ऐसा स्वरूप है ना। जो शब्द निकल रहे हैं इसका मतलब उन शब्दों को समझने की पात्रता वाले जीव सामने नियम से मौजूद हैं। क्या आ रहा है आप लोगों के, बहुत लोगों के समझ? देखो क्या, अब यहां देखो वापस क्या कह रहे हैं, 342 पेज पर, रहस्यपूर्ण चिट्ठी का दूसरा पेज। तथा इस सम्यक्ति के परिणाम सविकल्प तथा निर्विकल्प रूप होकर दो प्रकार प्रवर्तते हैं। वहां जो परिणाम विषय कषाय आदि रूप व पूजा दान शास्त्राभ्यास आदि रूप प्रवर्तता है उसे सविकल्प रूप जानना, उसको सविकल्प जानना। यहां प्रश्न, शुभाशुभ रूप परिणमित होते हुए, शुभ रूप परिणमित होते हुए, अशुभ रूप परिणमित होते हुए, पाप रूप प्रवृत्ति करते हुए, बोलो कैसी कैसी स्थिति होगी? क्या क्या नहीं करते ये सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव? घर गृहस्थी में रहते हुए क्या प्रवृत्तियां उनके नहीं होती? विवाह शादियां भी होती हैं, बच्चे भी होते हैं, उनकी पढ़ाई लिखाई भी होती है, दुकानदारी भी होती है, घूमना फिरना भी होता है, सब सब काम होते हैं उनके। ये सब काम कोई रुक थोड़ी ना जाता। और नहीं, नहीं, सम्यक दृष्टि है, वो तो निर्विकल्प आत्मा की अनुभूति, वो कैसे करेगा? सम्यक दृष्टि है, सम्यक दृष्टि शादी नहीं करता होगा। पंचम गुण स्थानवर्ती भी है शादी करने वाला, बोलो। ये कह रहे हैं शुभ शुभाशुभ रूप परिणमित होते हुए सम्यक्त्व का अस्तित्व कैसे पाया जाता है? ये शंका क्यों हुई? सम्यक्त्व का अस्तित्व कैसे होगा शुभ अशुभ के काल में? अब ये लड़का ये नहीं समझ पा रहा है, शंकाकार ये बालक, कि शुभ शुभ परिणति के काल में सम्यक्त्व में क्या बाधा है? सम्यक्त्व तो श्रद्धा का काम है ना, और ये शुभ अशुभ विचारित्र का काम है। या ऐसा समझ लो, उपयोग कहो इसको, शुभ उपयोग के काल में, अशुभ उपयोग के काल में, उपयोग रूप लो इसको, तो शुभ अशुभ उपयोग
तो उपयोग कहते हैं ज्ञान दर्शन की प्रवृत्ति होती है। तो ये शुभ अशुभ उपयोग ज्ञान दर्शन का काम है और सम्यक्त्व श्रद्धा का काम है। तो तुम्हारे शुभ अशुभ उपयोग से श्रद्धा परिवर्तित नहीं होगी, श्रद्धा से उसका लिंक नहीं है। कैसे अस्तित्व पाया जाता है, वो श्रद्धा मेंटेन है उस काल में, उसमें क्या फर्क पड़ गया कि साहब ये श्रद्धा कैसे मेंटेन रहती है, ये बात कुछ थोड़ा सा समझाओ ना, ये श्रद्धा मेंटेन कैसे रहती है, क्या क्यों नहीं रहेगी ये श्रद्धा मेंटेन? आपके हृदय में ये बात मेंटेन है या नहीं है कि मेरा नाम सात्विक है, कब याद करते रहते हो बताओ, कब करते रहते हैं? सुबह उठते ही पहले तो एक बार याद करते ही होंगे, मैं सात्विक हूँ, मेरा नाम है, ऐसा करेंगे साध्य? ऐसा है सुबह कब नाम याद करते हो अपना? कभी नहीं करते, तो भूल जाते हो, कभी नहीं भूलते। अभी ये क्या चमत्कार है देखो, आप कभी याद नहीं करते और कभी नहीं भूलते, वाह ये कैसे कैसी स्थिति है? इसका नाम है मेंटेन रहना। वो अंदर में धारा प्रवाह रूप से मेंटेन है, वही 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 गोलन नहीं करना पड़ता, बार बार में याद नहीं करना पड़ता, चल रहा है अंदर, नींदों में भी आधी रात में भी यदि कोई व्यक्ति आवाज लगाए तो तुरंत वो तन्मय है। अपने नाम के साथ में हम लोगों की जो तन्मयता है अपने नाम के साथ में, ये तन्मयता कब नहीं है बताओ? इतनी ज्यादा तन्मयता है कि शास्त्र पढ़ते पढ़ते यदि कहीं नाम आ जाए ना, तो कोई लिंक नहीं है तेरे से, तेरे से कोई मतलब नहीं है उसका, क्या? और थोड़ा सा तो लगता है कि मेरा है, और खराब हो तो खोटे अर्थ में हो तो कैसा लगता है? नाम बदनाम कर दिया। कई कई लोग पूछते पंडित जी बच्चे के लिए अच्छा नाम बतलाओ, ऐसा बतला बिल्कुल यूनिक होना चाहिए, किसी का नहीं हो। मैंने कहा रावण रख लो, किसी का नहीं, फिर रावण में क्या खराबी? अरे नहीं 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 रावण तो इतना खराब, अरे तो वो खराब था, तुम्हारा बच्चा खराब थोड़ी ना है। लेकिन उस नाम के साथ में इतनी तन्मयता हो गई उस व्यक्तित्व की क्या कि वो नाम ही खराब हो गया। लादेन रख लो, दुर्योधन रख लो, शकुन ही तो बहुत अच्छा है, शकुन शकुन सब काम में शकुन शकुन देखते हुए लोग, शकुन ही रख लो ना, ये क्या हो गया? और कोई कहीं अपना कोई नाम दिखे इतनी तन्मयता दिखती है, ये मैं हूं ये मैं हूं, ये जो मैं पने की मान्यता, ये ही मैं हूं, ये मान्यता धारा प्रवाह रूप से चलती है। भले ही शब्द कुछ भी बोल रहा हो, शब्द कुछ भी निकल रहे हो, लेकिन वो धारा बह रही है कि नहीं अंदर में? इस धारा के संदर्भ में यहां इन्होंने गुमास्ते का उदाहरण देकर के बहुत सुंदर चर्चा की। मुनीम मैनेजर, काम करने वाला, बिल्कुल नौकर नहीं, थोड़ा मुनीम से नीचे, नहीं अधिकारी मालिक से नीचे, हाँ मतलब मालिक के निर्देशन में काम करने वाला। देखो जरा समाधान, बहुत ही सुंदर बात है भाई, क्या उदाहरण देकर के बात समझाते हैं। मैं पढ़ता हूँ पूरा पैराग्राफ पढ़ता हूँ एक बार, है ना? जैसे कोई गुमाश्ता सेठ के कार्य में प्रवर्तता है, उस कार्य को अपना भी कहता है, हर्ष विषाद को भी प्राप्त होता है, उस कार्य में प्रवर्तते हुए अपनी और सेठ की जुदाई का विचार नहीं करता। वो कितना तन्मय है, मतलब वो एक में एक है उसके साथ में, हर्ष विषाद भी कर रहा है, सब बातें उसको खेत खिन्नता भी है, परंतु अंतरंग श्रद्धान ऐसा है कि यह मेरा कार्य नहीं है। बोलो ये फर्क है,
सामान बिकता है उसे बहुत प्रसन्नता होती है, नहीं बिकता है उसे भी खेद होता है, संभालता है, बिजनेस बढ़ाने की सोचता है, खूब बढ़ाता है, संभालता है, नफा होता है तो हर्ष होता है, नुकसान होता है तो अपनी कंपनी का इतना टर्नओवर हो गया इस साल तो बहुत मज़ा आ गया, तो ये मैनेजर को भी मज़ा आता है, काम करने वाले को भी मज़ा आता है, हर्ष विषाद करता हुआ भी दिखाई देता है, सुखी दुखी होता हुआ भी दिखाई देता है, तथापि अंतरंग में इस बात को बराबर श्रद्धा में बिठाए रखता है कि ये प्रॉफिट मेरा नहीं है, ये प्रॉफिट तो सेठ जी का है। मुझे तो वही मिलने वाले हैं जो मिलेंगे, जितनी तनख्वाह है उतनी मिलेगी। अभी देखो, अभी ये ऐसा काम करने वाले बन गए ईमानदार है, ऐसा नहीं ये खूब उसमें हर्ष करने लग गया तो वो अंदर में उसको अपना ही मानने लग जाए, बेईमान हो जाएगा। ये कह रहे हैं यदि वह सेठ के धन को चुरा कर ऊपर आधी रहेगी। हाँ हाँ देखो, परंतु अंतरंग श्रद्धा ऐसा है कि यह मेरा कार्य नहीं है, ऐसा कार्य करता गुमाश्ता साहूकार है, ईमानदार है वो, ऐसा काम करने वाला। कौन से गुमाश्ते की बात करें? वो गुमाश्ता जो हर्ष शोक करता हुआ दिखाई दे रहा है तथापि अंतरंग में अपने आप को उससे भिन्न जानता है और उस नफा नुकसान को सेठ का ही जानता है, ऐसे कार्य करता हुआ वो गुमाश्ता साहूकार है। यदि वह सेठ के धन को चुराकर अपना माने तो गुमाश्ता चोर होए, धन को चुराकर अपना माने, चुराना कहाँ होता है? अरे चुराना क्या होता है ये बताओ, ये जो चुराना होता है ना, ये चुराना बाहर में कहीं नहीं होता, अंदर होता है। जैसे देखो, ऐसे ऐसे वस्तुओं के चुराने में आपको ये बात समझ में नहीं आती, मैं आपसे कहता हूं इन्होंने इनकी जमीन हड़प ली, क्या क्या कहा आपने, इन्होंने इनकी जमीन हड़प ली, हड़प ली मतलब वही चोरी कर ली, तो चोरी कर ली तो वो जमीन कितनी अपनी जगह से खिसकी है, वो क्या हुआ, जमीन कितनी खिसकी, क्या हुआ कि इन्होंने उस जमीन को अपना मान लिया, इसका नाम है हड़प लेना। समझ में आ रही है बात, जो किसी और की थी उसे अपना मान लेना, इसका नाम है चोरी। बनारसी दास जी ने ऐसी आध्यात्मिक व्याख्या की सप्त व्यसनों की चर्चा करते हुए नाटक समयसार में, चोरी की व्याख्या करते हुए क्या लिखा वहां छंद, प्यार सो पराई सोंजे गही वे की चाह चोरी, बस इसका नाम चोरी। अशुभ में हार शुभ में जीत यही द्युत कर्म है, देह की मगनताई यह मांस बकी वो, ये सारे आध्यात्मिक निरूपण किए और ऐसा करते हुए अंतिम लाइन में, सेकंड लास्ट लाइन में वहां चोरी के संदर्भ में क्या लिख दिया, प्यार सो पराई सोंज गई बे की चाह चोरी है, अपना अधिकार उसके ऊपर जमा लिया सो चोरी है। तो ये जो गुमाश्ता सेठ के यहां नौकरी करता है, ये नौकरी करता हुआ भी कुछ मतलब दिमाग में उसके ये है कि ये तो मेरा ही है, यदि ऐसा आ जाए तो कह रहे हैं चोर हो। यदि वह सेठ के धन को चुरा कर अपना माने तो गुमाश्ता चोर होए, उसी प्रकार कर्मोदय जनित, अब सम्यक दृष्टियों की बात कर रहे हैं, कर्मोदय जनित शुभाशुभ रूप कार्य को करता हुआ तद्रूप परिणमित हो, शुभ रूप भी परिणमित हो रहा है क्या, अशुभ रूप भी परिणमित हो रहा है, भक्ति करता है तो पूरी उससे करता है, बड़े चित्त की एकाग्रता से पूजन करता है तो वो भी भोजन करता है तो ठाट से, ऐसी बात नहीं है कि सम्यक दृष्टि जीवों के बच्चों की ब्याह शादियां होती होगी मान लो ऐसे ही कर देते होंगे, मेरे सपने से हल्का हल्का काम कर दिया है, बहुत ठाट से करेंगे क्या, शान से करेंगे, मतलब काम यदि पाप का होगा तो वो भी ठाट से करेंगे और शुभ कार्य होगा वो भी ठाट से करेंगे, किंतु अभी तथापि कह करके सारा पानी फेर दिया उसके ऊपर, कितना भी ठाट से कर रहे हो अंतरंग दशा उनकी वो जानती, अंतरंग दशा में क्या वर्त रहा है,
तथापि अंतरंग में ऐसा श्रद्धान है कि यह कार्य मेरा नहीं है, मैं इसका कर्ता धर्ता नहीं हूं। अंदर में श्रद्धान बराबर बना हुआ है। यदि शरीर आश्रित व्रत संयम को भी अपना माने, सुनो, शरीर आश्रित व्रत संयम को भी अपना माने तो मिथ्या दृष्टि हुए, तो ऐसे सविकल्प परिणाम होते। सम्यक दृष्टि के इस प्रकार के सविकल्प परिणाम होते हैं। शरीर आश्रित क्रियाएं होती है, हर्ष विषाद भी मानता है, घुटने दर्द करते हैं तो उसमें दर्द भी जानता है, लेकिन तथापि अपने आप को उससे एक में एक अनुभव नहीं करता, अंतरंग श्रद्धान में अपने आप को उससे भिन्न अनुभव करता है। ऐसा सम्यक दृष्टि जीव सविकल्प दशा के काल में भी सम्यक्त्व से सहित ही रहता है। इस प्रकार सविकल्प दशा में सम्यक्त्व मेंटेन रहने संबंधी बात हमने यहाँ देखी है, विशेष चर्चा हम कल करेंगे। ओम।